जय श्री राम दोस्तों। नासह रोग हरह सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप सभी लोग जानते होंगे कि हनुमान जी का ये आखिरी ज्येष्ठ बड़ा मंगल है और इस मंगल पे हम लोग का है कि हनुमान जी कैसे करते हैं रोगों का नाश, क्योंकि आप सब देख रहे हो कि इस समय संसार में तरह तरह के रोग बढ़ रहे हैं और हर कोई पीड़ित है, और उनसे केवल और केवल अगर कोई निकाल सकता है तो वो है हमारे ईश्वर आराध्य हनुमान जी। तो आइए जानते हैं कैसे हनुमान जी रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हनुमान जी के रोगों से मुक्ति दिलाने का जो कई बार वर्णन रामायण में भी हुआ है वो किस तरह से है, आप सभी जानते हो कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी ही उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। तो हनुमान जी कहीं ना कहीं रोगों को नाश करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर आपके घर में भी कोई बीमार हो, कोई ऐसा रोग हो जो नहीं कट रहा हो, कोई ऐसी बीमारी हो जो बहुत सालों से हो, या कभी कभी बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं तब समझ नहीं आता कि तब दवा भी असर नहीं करती, तो उस समय कोई असर करेगा तो वो होंगे केवल हमारे प्रभु हनुमान जी। आइए इनके बारे में बताते हैं। तो हनुमान जी के बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो कि रोगों का नाश करते हैं, उन मंत्रों का डिस्क्रिप्शन में हम आपको डाल देंगे, वो मंत्र आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बजरंग बाण कहते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, अगर कोई बजरंग बाण का पाठ कर ले दिन में 2 बार तो उसके तो रोग कष्ट मतलब हर चीज़ दूर हो सकती है। उसके अलावा बताएं कि अगर आप, हम अपने रायबरेली शहर को बता रहे हैं, अगर आप रायबरेली शहर से हो और आपका कोई ऐसा बहुत ही पुराना रोग है या कोई बीमारी जो नहीं जा रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप दवा भी असर नहीं कर रही हैं, तो आप जा सकते हो सूरजपुर के हनुमान जी की शरण में। वैसे तो सारे हनुमान जी मंदिर बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन वो मंदिर थोड़ा सा पुराना होने के कारण उसकी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि हमें पता चली, तो आप वहाँ पर जा सकते हो और वहाँ पर जाके हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर होता है आप उसे घर में लेके आके रखिए, तो वो उस घर की सारी निगेटिविटी काट देगा और उसके अलावा आपके यहाँ जो भी मरीज जो भी पीड़ित होगा उसका रोग दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप सभी हनुमान जी के एक रूप को जानते हो कि जिनका नाम है बालाजी। बालाजी भी रोग नाश के लिए होते हैं, वो भूत है जो बच्चों में बड़ों में हो जाता है जो नहीं हटता है, हनुमान जी दूर करते हैं। और हमारे भारत में तो कई तरह के हनुमान जी पाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर हनुमान जी, बालाजी, तो ये हनुमान जी का रोगों को नाश करने का बहुत ही पुराना संबंध है। तो आपको बताते हैं कि रामायण में आखिर हनुमान जी ने कैसे रोग का नाश किया था। आपको याद होगा सबसे पहले जब हनुमान जी को लंका पार करके जाना था माता सीता के पास, तो उनको याद नहीं थी अपनी शक्तियाँ, तो फिर जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियाँ दिलाई थी कि हनुमान तुमने ऐसे ऐसे काम किए थे अपने बचपन में और याद करो तुम कितने पावरफुल थे, और फिर हनुमान जी को उनकी सारी शक्तियाँ याद आई थी। तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई भी इंसान अपनी मेमोरी को लॉस कर रहा है, उसको याद नहीं रह रहा है, अपनी शक्तियाँ याद नहीं आ पा रही हैं, अपने अंदर का जो कहते हैं विल पावर अगर लॉस हो रही है, तो आखिर ऐसे में अगर दवा नहीं असर कर रही तो फिर दुआ ही असर करती है। तो उस दुआ में हनुमान जी को याद करिए, क्योंकि हनुमान जी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर किसी की मेमोरी लॉस हो, विल पावर कमज़ोर हो रही हो, कोई भी ऐसा रोगी हो, मरीज़ हो, तो आप वहाँ पर हनुमान जी के स्रोत का, मंत्र का, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो वो मेमोरी लॉस से आपको ज़रूर बचाएगा। उसके आगे चलते हैं। तो जब राम जी लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए थे तो राम जी ने आदेश दिया था हनुमान से कि जाओ वहाँ जाकर जो भी संजीवनी बूटी हो वो लेकर आओ। तो मूर्छित होने में यह था कि लक्ष्मण जी जो थे उनकी मृत्यु का वो था कि अब लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अगर कोई भी मनुष्य मृत्यु के समीप आ गया हो और उसको अगर बचाना हो तो हनुमान जी ही बचा सकते, क्योंकि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देकर बचा सके थे तो फिर हनुमान जी इंसानों को, अपने प्रिय भक्तों को तो क्यों नहीं बचाएंगे। उसके अलावा जब राम लक्ष्मण दोनों की नाशपात में थे तो उस समय हनुमान जी ही गए थे वहाँ से लेकर आए थे गरुड़ जी को। तो ये दिखाता है कि आपका जितना बड़ा से बड़ा अगर आपके शरीर में जहर रोग फैला हुआ है, हनुमान जी को अगर आप याद करोगे, मन से याद करोगे, तो वो ज़रूर खड़े होंगे आपकी सहायता के लिए। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करते करते हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी के 12 नाम जो रोगों का नाश करते वो कौन कौन से। तो पहला है हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत, महाबल, रामेश, फाल्गुन सखा, पिंगाज, अमित विक्रम, उदित क्रमण, सीता शोक विनाश, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव दर्पहा। तो ये थे हनुमान जी के 12 नाम जो कि रोगों का नाश करते हैं। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हनुमान जी अपनी कृपा आप सब पे बनाए रखें। नमस्कार।